यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आपको वीडियो पर चलने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो भाई धार्मिक वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे रामायण, महाभारत और वेद पुराण से संबंधित, तो कृपया वो हमारे दूसरे चैनल अद्भुत शब्द वान को सब्सक्राइब कर लें। मैं चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां आप जैसे ही वीडियो के चैनल के लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे अद्भुत शब्दवान चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज हम आपको एक बड़ी रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं और कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि श्रोताओं, मैं आपको बड़ी रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं। तो देखिए श्रोताओं, कहानी इस तरीके से है कि एक समय की बात है, एक राजा थे और राजा का नाम था तमरध्वज। एक तमरध्वज नामक राजा थे और वो राजा धारा नगरी पर राज्य करते थे। प्राचीन समय में कोई धारा नामक नगरी थी, उस पर तमरध्वज नामक राजा राज्य किया करते थे। तो श्रोताओं, उस राजा के कोई संतान नहीं थी, राजा संतान विहीन था। तो इस राजा तमरध्वज बड़ा व्याकुल था, बड़ा परेशान रहता था कि मैं संतान विहीन हूं। तो एक दिन राजा किसी जंगल में आखेट के लिए चला जाता है। जब वह जंगल में आखेट के लिए गया तो उसे एक बड़े ऋषि का आश्रम मिला। राजा ने सोचा कि ये किसी महान ऋषि का आश्रम है और कोई परम तपस्वी है, तो क्यों ना मैं इस ऋषि के पास चल करके इससे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगूं। तो श्रोताओं, राजा ने देखा, जब राजा आश्रम के अंदर गया तो देखा कि वह आश्रम में ऋषि तपस्या में लीन बैठा हुआ है और उसके उसका एक शिष्य था, वह शिष्य भी बगल में बैठा हुआ तपस्या में लीन था। श्रोताओं, अब तो राजा एक पाम पर खड़ा होकर के समाधि टूटने का इंतजार करने लगा कि ये तपस्वी कब अपनी तपस्या से खड़ा होगा और ये मैं तब तक एक पैर पर खड़ा रहूंगा। तो श्रोताओं, राजा हाथ जोड़ करके एक पैर पर उस सन्यासी के, उस महान तपस्वी के सामने खड़ा हो जाता है। अब देखिए, कुछ समय बाद जब तपस्या पूरी हो गई तो उस ऋषि की समाधि टूटी, घंटे, दो घंटे, चार घंटे के बाद। और जब उसने अपने सामने उस नरेश को खड़े देखा तो ऋषि कहने लगे, अरे राजन, आपने बहुत बड़ा कष्ट किया है, कहो इस महाबियावान वन में तुम्हारा कैसे आना हुआ? ये सुनसान जंगल है और तुम किस उद्देश्य से इस वन में आए हो, सो मुझे स्पष्ट और साफ साफ कहिए। ये बात सुनकर के राजा तमरध्वज कहने लगे कि हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भगवान मुझे एक पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। श्रोताओं, जब तपस्वी उस ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा तो कहने लगे, अरे राजन, मैं क्या कहूं, तुम्हारे तो तीन जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तुम तो तीन जन्म तक संतान विहीन है, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। तभी उसका एक शिष्य था जो उसके साथ आराधना कर रहा था, तपस्यारत था, उसकी समाधि भी भंग हो जाती है और ये देख करके राजा मेरे गुरुदेव से बड़ी अनुनय विनय कर रहा है, तो वह अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुदेव, इसको एक पुत्र दे दीजिए, आप तो परम दयालु हैं, क्यों ना इसे एक पुत्र दे दिया जाए, आप देने में समर्थ हैं। तो गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। फिर राजा निवेदन करने लगा कि गुरु महाराज, हे परम तपस्वी, मुझे एक पुत्र दीजिए। तो श्रोताओं, राजा जब बार बार आग्रह कर रहा था तो राजा के आग्रह से गुरुदेव तो निश्चिंत और शांत जवाब देते गए कि राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, तुम्हें तीन जन्म तक संतान का सुख मिलने वाला नहीं है। परंतु वह जो शिष्य था ऋषि का, वह शिष्य बार बार गुरुजी को बीच में टोकने लगा कि गुरुदेव, क्यों ना आप इसको एक पुत्र दे देते हैं, आप समर्थ हैं, आप इसे संतान दीजिए। तो गुरुजी को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के गुरुदेव कहने लगे, जाइए उस अपने शिष्य से, तुम ही इस राजा के पुत्र बनोगे। अब तो शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर गया, बोला, गुरुजी मुझसे गलती हो गई कि नहीं,
अब मेरा ये वचन खाली नहीं जा सकता। अब तुम्हें यहां से मर करके इस राजा के यहां जन्म लेना होगा। श्रोताओं, राजा पुत्र का वरदान लेकर के प्रसन्न होकर के वापस लौट जाता है। और इधर क्या होता है कि कालांतर में जब समय धीरे धीरे निकल जाता है, महीने छः महीने, तो उस शिष्य की मृत्यु हो जाती है और वह शिष्य मरने के बाद उस राजा के घर में जन्म ले लेता है। राजा के घर जन्म लिया, बड़े राज से ठाट बाट में पलने लगा, परंतु वह बोलता नहीं था, बिल्कुल भी मौन धारण किए रहता था। अब जब राजा के दरबारियों को और अन्य प्रजाजनों को यह पता चला कि हमारे महाराज का पुत्र कभी बोलता हुआ नहीं देखा, क्या कारण है इसके पीछे, और जबकि 15 साल का युवक हो चुका है और आज तक किसी ने उसे बोलते हुए नहीं देखा, तो राजा भी इससे परेशान था, क्योंकि राजा चाहता था कि मेरा पुत्र बोले। और बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया कि कहीं ये गूंगा बहरा तो नहीं है, तो डॉक्टरों ने कह दिया नहीं, ये सही है, परंतु ये स्वयं बोलता नहीं है। अब उस शिष्य, उस राजकुमार को ये ध्यान था कि मैं जब पहले बोला था मेरे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया था कि तू जा, इस राजा का पुत्र बनेगा, और यदि मैं अब बोला तो ना जाने क्या सजा मिलेगी। तो श्रोताओं, इस वजह से वह राजा का लड़का बिल्कुल नहीं बोलता था। अब राजा तमरध्वज बड़े परेशान थे, तो उनके एक मंत्री थे। एक दिन मंत्री उस राजकुमार के साथ वन विहार को जा रहे थे, जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। तभी क्या होता है कि एक बदक, एक शिकारी उस जंगल में धनुष बाण ताने हुए चला आता है। राजा का कुमार और मंत्री दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे, तो देखा कि एक मोर एक वृक्ष पर बैठा हुआ था और वह मोर जोर जोर से बोलने लगा। और जब उस भील ने देखा, उस शिकारी ने देखा कि मुझे शिकार चाहिए, तो उसने झट से तीर निकाला और तीर निकाल करके उस मोर पर छोड़ दिया। और श्रोताओं, जैसे ही उस मोर के वो बाण लगा, बाण लगते ही मोर वृक्ष की शाखा से नीचे पृथ्वी पर आ गिरा। अब तो राजकुमार को एकदम से हंसी आ गई और अपने पूर्व जन्म की याद आ गई और कहने लगा कि तू क्यों बोला, तुझसे किसने कहा था बोलने के लिए, और बोला तो बोलने की सजा भी भुगत। इतना कहकर के राजकुमार चुप हो गया, और ये बात उसके मंत्री ने सुन ली, राजा की ने, तो राजा का मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ कि राजा का लड़का तो बोलता है, ये तो मेरे सामने बोला था, मैंने देखा था इसको बोलते हुए। तो श्रोताओं, उधर वह तो उस मोर को लेकर के चला जाता है शिकारी, तो और इधर राजकुमार को लेकर के मंत्री राज दरबार में आ जाता है और ये हल्ला मचा देता है, ये घोषणा कर देता है वो मंत्री कि मैंने राजकुमार को बोलते हुए देखा था। तो श्रोताओं, राजा के मंत्री ने आकर के ये घोषणा कर दी कि मैंने राजा के लड़के को बोलते हुए देखा था। समस्त शहर में ये बात अग्नि की तरह फैल गई कि राजा का लड़का बोलता है। अब राजा ने सुनी तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उस मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, यदि मेरा पुत्र बोलता है तो आप बुलवाइए। भरे हुए दरबार में उस मंत्री को राजा ने खड़ा कर लिया कि बताओ ये पुत्र बोलता है या नहीं बोलता है। तो मंत्री कह रहा था, महाराज मैंने इसे बोलते हुए देखा था। तो उस लड़के को बुलाया गया वहां, वह उस लड़के से खूब बोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन लड़के को बोलने से डर लगता था। उसने दो घटनाएं देख ली थी, एक तो स्वयं और एक उस मोर को देख लिया था। अब तो क्या होता है, राजा तो राजा ही था, तो राजा क्रोधित हो गया और उस मंत्री से बोला, मूर्ख मंत्री, तू हमारे सामने हमारी हंसी उड़ाता है, हमारा उपहास करता है कि राजा का लड़का बोलता है, यदि हमारा लड़का बोलता तो तू ऐसे कभी नहीं कहता। इसलिए उसने, राजा ने क्रोधित होकर के आदेश दिया कि इस मंत्री को अभी फांसी का आदेश दिया जाता है और कल इसको फांसी होगी। तो श्रोताओं, राजा का आदेश था, उसे कोई टालने वाला नहीं था। दूसरे दिन का समय आया तो उस मंत्री को फांसी, जहां फांसी लगती थी वहां जल्लादों को सौंप दिया और जल्लाद मंत्री को लेकर के फांसी की तरफ चले, जहां फांसी का फंदा लटका हुआ था। और जब फांसी के फंदे पर उस मंत्री को चढ़ा दिया तो पूछने लगे जल्लाद की, बताइए मंत्री, देखिए फांसी का नियम होता है
कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उसे पूछने लगे कि बोलिए मंत्री जी, आप क्या मांग क्या चाहते हैं, आपकी क्या जरूरत है और आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो श्रोताओं, जब ये बात मंत्री ने सुनी तो मंत्री कहने लगा कि देखिए जल्लादो, मुझे केवल महाराज के कुमार से मिला दो, केवल मुझे उस राजा के कुमार को यहीं बुलाओ और मुझे उससे दो दो बातें करनी हैं और कुछ नहीं है, फांसी होने का कोई डर नहीं है। तो श्रोताओं, उन जल्लादों ने राजा से कहा कि महाराज, मंत्री की अंतिम इच्छा है कि वो आपके कुमार साहब से मिलना चाहते हैं। तो राजा के कुमार को वहाँ जहाँ उस मंत्री को फांसी हो रही थी वहाँ लाया गया और ला कर के खड़ा कर दिया गया। तब मंत्री कहने लगा कि देख राजकुमार, मैंने तुझे बोलते हुए देखा था और अब मैं तेरे कारण से मौत के घाट उतारा जा रहा हूँ। तो ये बात जब राजकुमार ने देखी कि मेरे पिताजी इसे अवश्य ही फांसी देंगे, तो राजा का लड़का कहने लगा कि देख मूर्ख मंत्री, तू नहीं जानता था, मैंने यही बात तुझसे कही कि तू क्यों बोला, तू भी बोल गया इसीलिए तू मर गया। तो ये जब प्रजाजनों ने और अन्य लोगों ने सुना कि राजा का लड़का तो बोल रहा है, तो कहने लगा सुनिए, मेरे इस पिताजी को पूछिए, ये मेरे गुरुदेव के पास पुत्र प्राप्ति के लिए गए थे और जब मैंने इनका पक्ष लिया, बार बार अपने गुरुदेव से कहा बीच में लपक करके कि गुरुदेव इन्हें पुत्र दे दीजिए, तो मेरे गुरुजी ने मुझे क्रोधित होकर के श्राप दे दिया था कि जाओ तुम ही इसके पुत्र बनोगे। तो बोलने से मुझे इस राजा की संतान बनना पड़ा और जब हम और तुम दोनों जंगल विहार को जा रहे थे तो आपने देखा था कि वो मोर बोल गया था, नहीं तो उस शिकारी को कोई पता नहीं चलता कि इस वृक्ष पर मोर बैठा हुआ है, और जब मोर बोल गया तो उसी समय उसमें बाण दे दिया गया और वो मृत्यु के घाट उतार दिया गया उस शिकारी द्वारा। और जब तुमने मुझे बोलते हुए देखा तो बिना तोले सतोले बात को, बिना बात का अंदाजा लगाए आपने घोषणा कर दी कि राजा का पुत्र बोलता है, और इसलिए हे मूर्ख मंत्री, तुम्हें भी फांसी की सजा मिल रही है, परंतु अब मुझे तुम्हारे प्राण बचाने हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अब ध्यान रखना तुम कि बेमतलब से और बेफालतू का बोलना, जो आवश्यकता से अधिक हो, जिसकी जहां आवश्यकता ना हो, यदि वह आप बोले तो निश्चित ही इसी प्रकार का दंड प्राप्त करोगे। तो श्रोता हो, राजा ने उस मंत्री को फांसी से मुक्त कर दिया कि चलिए आपने इस पुत्र को बोलते हुए देखा था, और राजा का लड़का भी वापस अपने पिता के साथ राजा के साथ राजमहल में आ गया और वह फिर बोलने भी लग गया। तो देखिए, मैं आपसे एक इस कहानी से एक अच्छी जानकारी और नैतिक शिक्षा देना चाहता हूँ कि बेफालतू का बोलना, जहाँ हमें आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता से अधिक बोलना खतरनाक सिद्ध हो सकता है, जैसे उस मोर को, उस मंत्री को और उस राजकुमार को हुआ था। तो बोलने में मर्यादाओं का और नियमों का ध्यान रखें, जहाँ जितनी आवश्यकता है केवल वह उतना ही बोलें। तो श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी, और यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की कहानियाँ प्रसारित करता रहता हूँ। और इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।